हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग, जहां पर आप आसानी से इंग्लिश को सीख कर बोल सकते हैं। एज पर जीन जैकस, गुड यूज ऑफ टाइम मेक्स द टाइम इवन मोर प्रीशियस। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज थिंक दैट व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्पीक द टाइम, इसको बोलने का सही तरीका क्या होगा, लोग ये सोचते हैं और हमेशा समय को इंग्लिश में बोलते हुए घबराते हैं। तो शुरू करते हैं, हाउ टू यूज़ एंड स्पीक टाइम इन इंग्लिश। बेसिक फैक्ट्स ऑफ टाइम विच वी यूज टू मेक सेंटेंस। फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज रेफर टू टाइम एज इट। सेकेंड, व्हाइल राइटिंग एंड स्पीकिंग द टाइम इज ऑलवेज रिटन एंड स्पोकन मिनट्स इन एडवांस। थर्ड पॉइंट इज time is written and spoken in two ways. First is past, the time that has elapsed. Second, to, the time that is about to come. समय के मूल तथ्य जिनका उपयोग वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। नंबर एक, समय को हमेशा इट से संबोधित करते हैं। नंबर दो, समय को लिखते व बोलते समय हमेशा मिनट पहले वो लिखा व बोला जाता है। नंबर तीन, समय दो प्रकार से लिखा व बोला जाता है। नंबर एक, बजकर बीत चुका है, जो समय व्यतीत हो चुका है। नंबर दो, बजने में होने में है, जो समय आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर एक 9:47, वी कैन राइट दिस इन टू वेज। फर्स्ट इज इट इज़ 47 मिनट्स पास्ट 9, 9:47 हो गए हैं। सेकेंड वे, इट इज़ 13 मिनट्स टू 10, 10:13 बाकी है। सेकेंड एग्जाम्पल इज 8:40। फर्स्ट वे, इट इज़ 40 मिनट्स पास्ट 8, 8:40 हो गए हैं। सेकेंड वे, इट इज़ 20 मिनट्स टू 9, 9:20 बाकी हैं। इन यूज़ ऑफ टाइम फोर्थ पॉइंट इज फॉर 15 मिनट वी विल ओनली राइट एंड स्पीक क्वार्टर्स। 15 मिनट को हम केवल क्वार्टर लिखेंगे व बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1:15, इट इज़ 1:15, 1:15 हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज 1:45, इट इज़ 1:45, 2:15 बाकी है। फिफ्थ पॉइंट इज ऑलवेज राइट एंड स्पीक हाफ इन 30 मिनट्स, 30 मिनट को हमेशा हाफ से लिखते व बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1:30, इट इज़ 1:30, 1:30 हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज इट इज़ 1:30, 2:30 बाकी है। सेकेंड एग्जाम्पल 7:30, इट इज़ 7:30, 7:30 हुए हैं। सेकेंड वे, इट इज़ 7:30, 8:30 बाकी हैं। इन यूज ऑफ टाइम सिक्स पॉइंट इज डायरेक्ट यूज टाइम इन सेंटेंस। वी कॉल द सेंटेंस डायरेक्ट एट टाइम इंस्टेड ऑफ इट इज़। समय का प्रयोग वाक्यों में, वाक्य में हम इट इज़ के बदले सीधे एट टाइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल 7:15 आऊँगा, आई शैल कम एट 7:15। सेकेंड एग्जाम्पल इज मैं तुम्हारे साथ कल 6:20 घर जाऊँगा, I shall go with you at 6:20 tomorrow. Second way, I shall go with you at 7:40 tomorrow. इस प्रकार कोई भी समय को वाक्यों में सही तरीके से आसानी से बोल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे मीनिंग एंड यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। अगर आप मेरे इस चैनल के द्वारा कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि यदि आपको कोई परेशानी हो या आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो
तो उसको आसानी से समझाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।